काट लेंगे अपन। आपका नाम बताइए। आपका ऑपरेशन हुआ जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में, आपको कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा? कोई तकलीफ हुई आपको यहाँ पे ऑपरेशन में? डॉक्टर का स्वभाव कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। किन डॉक्टर से हुआ है आपका ऑपरेशन? डॉक्टर सुशीला सैनी। कैसा ट्रीटमेंट करते हैं आपका डॉक्टर सुशीला सैनी? सही किया उन्होंने ट्रीटमेंट आपका? सब अच्छा लगा आपको? और हमारे यहाँ का स्टाफ का आपको कैसा लगा? स्टाफ ने आपका प्रॉपर ध्यान रखा? नर्सिंग स्टाफ ने सब अच्छा लगा? चलिए। और आपको जैसे जो ऑपरेट हुआ उसके बारे में पहले पूरी जानकारी दी गई थी प्रॉपर, आपसे ज्यादा मतलब आपको जो प्रॉपर डिटेल्स दी गई थी उसी के अकॉर्डिंग आपको खर्चा बताया, उसी के हिसाब से आपको बताया गया है सारा, या कुछ आपको कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन देने की कमी रखी? सब कुछ प्रॉपर बता के आपको प्रॉपर वैसे ही आपका ऑपरेट करवाया। आपको जो आपका ऑपरेशन हुआ था उसके बाद में अभी आपको मतलब ठीक होने में कितना टाइम लगा? ऑपरेशन होने के 2 दिन बाद में आप नॉर्मल चल फिर रहे थे, कोई तकलीफ नहीं हुई थी? तो दूरबीन द्वारा आपका जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद में मतलब 2 दिन के अंदर अंदर आप आराम से चल फिर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है? और 7 दिन बाद में आपके टाके कट रहे हैं। अभी आपको कैसा फील हो रहा है? अभी कोई तकलीफ महसूस है? कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, कैसा मतलब आपको, आप कभी चाहेंगे जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में कभी किसी और को भी भेजना? बिल्कुल, बिल्कुल, हम भी वही चाहते हैं कि हमारी सर्विसेज से आप लोगों को भी अच्छी सर्विसेज मिले और आप लोग खुश होकर जाएं, वही हमारे लिए मेन है। मैं गाड़ी ले गया अभी जब स्विमिंग बोला था मैंने ड्राइवर से, उन्हें अपने सुशीला जी सैनी जी तुम्हारे समाज के मिले। अच्छा जी, बहुत अच्छी मैडम ने ली। और डॉक्टर साहब से मिले? और मैंने कि सब हॉस्पिटल से तो थोड़ी अच्छी सुविधा है और कम मेंटेनेंस भी कम है उन्हें। साफ सफाई कैसी लगी आपको हॉस्पिटल में? साफ सफाई में कुछ यूं लगा नहीं किसी ने साफ सफाई नहीं रहती हॉस्पिटल में? अच्छा लगा बाकी सबको। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती आपका फीडबैक दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।